नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों का रुख करेंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र में शराब की बिक्री को लेकर प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है। वहीं पर मिश्रित शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए दुकानों के स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्र के SDM, CO और आबकारी निरीक्षक के मौजूदगी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि शराब के ठेके की दुकानों से संबंधित अन्य सामान कमियों का भी जायजा लिया गया। बुलंदशहर में मिश्रित शराब की बिक्री पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। SSP संतोष कुमार सिंह जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग के लिए सघन अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत सभी प्रकार के सरकारी ठेकों की दुकानों पर गहन चेकिंग की जा रही है। ने दो तरह के प्रयास शुरू किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शराब के ठेकों से नकली शराब न बिके, इसके लिए हमारे फोर्स में लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। कर्मचारियों के माध्यम से शराब के ठेकों पर जो बिकने वाली शराब है उसको ऐप के माध्यम से वेरीफाई कर रहे हैं कि वो असली है या नहीं। फिलहाल अब तक लगातार कल से अभियान चल रहा है, कहीं से भी नकली शराब के संबंध में। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में बांध बनाने के कार्यों में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। पिछले साल दो अलग अलग जगहों पर रिंग बांध कट गए थे, जिसे अब मरम्मत करवाने का काम किया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत का काम अगर बरसात के पहले पूरा नहीं कराया गया तो इस बार भी स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। अरे काम तो एक महीने से ऊपर हो गया धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ बाढ़ आती है लेकिन अभी देख रहे हैं बारिश का मौसम है, तो आपको नहीं लगता कि अगर पहले कर लेना चाहिए था? बाढ़ में पानी, बारिश में कौन काम कर पाएंगे लोग, पहले नहीं किया तो। पहले नहीं किया? हाँ। कटान हर साल होती है? कटान तो हर साल होती है सर। इस बार क्या मामला था? इस बार तो पूरा वो जो पानी लग रहा है कोन्हा से ना, वहाँ से दरिया 21 साल में काट दिया। नहीं नहीं, उस समय तो देखिए हम लोग वहाँ गए थे और जो है उस काम को हम लोगों ने देखा, और काम तो मतलब बिल्कुल धीरे हो रहा था। मुश्किल से 100 से 150 बोरी वहाँ गिरी होगी, और काफ़ी शिकायत भी हम लोगों ने की, मुख्यमंत्री को भी दिया, उसमें चीफ इंजीनियर जो थे उसमें सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर को दिया, यहाँ जिला अधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने आगाह कराया। थोड़ा बहुत तो हरकत में वो लोग आए, लेकिन फिर उसके बाद काम शिथिल हो गया और देख के नहीं लग रहा कि बाढ़ के पहले। वहीं बुलंदशहर के गुलावठी में 3 मंजिला इमारत के गिरने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। मकान के बगल में पड़ोसी अपने नए मकान के निर्माण के लिए नींव की खुदाई कर रहे थे, जिसे मकान गिरने की वजह बताया जा रहा है। वहीं पर राहत की बात यह है कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मझगवा राव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कि कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं पर घटना के बाद में पीड़ित अनुज ने बताया है कि विपक्षी कोटेदार के पक्ष के दो लोगों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी और अन्य सदस्यों को जमकर पीटा है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन मामले पर कार्रवाई करने से आनाकानी कर रहा है, जिसके बाद में पीड़ित ने SP कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। कल से हमें मारे, हमें बहुया का लड़का मनाई कर खूब मारे। कौन मारा है? अंकुर सिंह, दो आदमी रहे, एक नहीं पहचानित, कहाँ के रहे कहाँ के नहीं। काहे के लिए मारे हैं? बस यही, हमें जगह जमीन वहाँ मिला कर रहे, जमीन दिखा दी 6-7 बारी हफ्ता। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन के साथ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन शक्तिनगर पुलिस स्टेशन में मोबाइल चोरी को लेकर कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेने के बाद में पुलिस मामले की छानबीन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा जो है एक मोबाइल चोरों का गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। जो है इन लोगों के द्वारा कॉलोनियों से घरों से जो है मोबाइल चोरी के लिए जाता था, उसे सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था। कुछ लोगों ने जो है थाना पे शिकायत दर्ज कराई। जो है इस संबंध में कल शक्तिनगर के मुकदमा अपराध संख्या
67/21 धारा 380 IPC पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो है थाना सत्यनारायण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो है चार चोरों को गिरफ्तार किया जो है, और उनके कब्जे से जो है 6 मोबाइल, जिसमें 3 मोबाइल जो चोरी के थे, जो लिखे गए थे मुकदमा लिखा है उससे संबंधित हैं, और 1 मोबाइल के संबंध में ऑनलाइन शिकायत है, और 2 अन्य मोबाइल बरामद हुए हैं जिसके बारे में पता किया जा रहा है उनका। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है और एक बार फिर से सामान्य जीवन पटरी पर लौट सकता है। योगी सरकार प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू को हटाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा रह सकता है, लेकिन इस फैसले पर केंद्र का निर्देश भारी पड़ने वाला है, जिसमें कि 30 जून तक कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर कुछ कम होने के बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजार पर लगी हुई पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या में खोल सकती है। सरकार के इस कदम से लोगों को राहत भी मिलेगी और इसके साथ ही सख्ती भी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जून तक सख्ती को बरकरार रखा जाए। यदि कहीं पर केसेस कम है तो फिर राज्य सरकारें अपनी तरफ से निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को इस बाबत पत्र भी भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य के मुख्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू का दायरा 1 जून से कम करने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन रोकने के खातिर देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू के अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। सभी राज्यों में संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने 1 जून से लॉकडाउन समाप्त करने या फिर कम करने की योजना बना ली है। सरकार अभी पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है। सरकार को डर है कि इससे कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। इसी कारण अगले फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद में प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में रियायत दे सकती है। इसके तहत सरकार वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी कर सकती है, लेकिन वह अन्य कई गतिविधियों में छूट दे सकती है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर लोगों के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 25 की जगह पर 50 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी भी है। इसके अलावा विवाह से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, कपड़े की दुकानें, किराना, सब्जी व फल की दुकानों को भी खोला जाएगा। इसी क्रम में कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों को शुरू करने की भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार फिलहाल तो शॉपिंग मॉल्स, फिल्म थिएटर्स एवं सैलून के साथ ही कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें खोलने की योजना में नहीं है। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कैसे और कब कब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। प्रदेश में तारीख वार लगा कर्फ्यू। प्रदेश में 8 अप्रैल को उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया जहां पर 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। इसके बाद 17 अप्रैल से पूरे प्रदेश में रविवार का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। 30 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसे एक दिन बाद 6 मई तक लगाया गया। 5 मई को कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक कर दिया गया। 9 मई को इसे बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया। इसके बाद 15 मई को कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर 24 मई तक किया गया। 23 मई को इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए लॉकडाउन जून में भी जारी रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड 19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद भी अभी सख्ती करने की जरूरत है। इसको देखते हुए अभी कुछ राज्य
30 जून तक लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लागू रख सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा है कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि कोरोना के नए केस और मामलों में कमी आने के बाद भी मौजूदा समय में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। यह महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।